जिला बचाओ संघर्ष समिति नारनौल ने राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव एडीओ के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय नारनौल को बचाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से रेवाड़ी में मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ज्ञापन सौंपा। जिले का नाम नारनौल करने और जिला मुख्यालय नारनौल में ही स्थित रहने को लेकर संघर्ष समिति का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। धरने में पंचायत समितियों के साथ साथ अनेकों जिला पार्षदों का समर्थन भी समिति को मिल रहा है। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। आज भी जिला नारनौल महेंद्रगढ़ बचाओ संघर्ष समिति का धरना आज भी 8वें दिन जारी है और इसी कड़ी के अंदर आज हम माननीय राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, ओम प्रकाश जी मंत्री के सानिध्य में उनको साथ लेकर के और उनको सारी बातों से अवगत कराया। अवगत उनको ये भी कराया है कि इस ज़िले की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम आपके कहने से यहाँ की जनता ने किया है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और 400-500 साल पुराना इतिहास है नारनौल का, ज़िले का, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप लोगों के साथ कोई भी इस तरह का गलत कार्य नहीं होगा जो कि जनहित में नहीं। सभी नांगल चौधरी क्षेत्रवासियों का, निजामपुर क्षेत्रवासियों का, नारनौल क्षेत्रवासियों का और अटेली की जनता का और व्यापारी वर्ग का, सभी का हम दिल की गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्य धन्यवाद करते हैं, उनको क्रांतिकारी सलाम करते हैं। इस पूर्ण बंद में जिस प्रकार की आहुति उन्होंने डाली, एक भी दुकान ना खोलकर हमारी एकता का परिचय दिया, हमारा साथ दिया, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का सदा आभारी रहेगा। हमारा 8वें दिन भी धरना जारी है, जब तक सरकारें हमारी मांगों को पूर्ण रूप से मांग नहीं लेती, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।